है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी जैसे कि शाम को 4 बज गए और काफी मजा भी आ रहा है। अभी हम छत के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे सब लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। मैं भी जस्ट यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए आया था क्योंकि कई दिन हो गया था मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। आज मकर संक्रांति है तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मकर संक्रांति के दिन अपन व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, काफी मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। गाइस यहाँ पे देखिए पतंगे काफी कट रही है, मजा भी आ रहा है। ये देखिए इतनी सारी पतंगे पड़ी है यार, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पतंग उड़ानी है। गिट्टू भाई कुछ बोलोगे आज के दिन मकर संक्रांति के दिन? क्या हुआ? नहीं। इतने सारे पतंगे पड़े यार, क्या करे यार, धागे तो नहीं है लेकिन बट कैसा है कि पतंगे तो है ना यार। हाँ मोहित भाई कुछ बोलोगे आज क्या हुआ? हम यही कहना चाहेंगे। हाँ बोलिए ना, फिलहाल हाथ में क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं यार, एक्चुअली कैसा है कि हमने यार गाइस पतंग एक भी नहीं लाई अभी तक, हमने एक भी नहीं खरीदी है, सब कट के आई हुई है छत के ऊपर। ये देखिए इतनी सारी पतंगें कट के आई हुई है पूरी। पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो काफी अच्छी पतंग उड़ रही है ऊंची, लेकिन डर ये रहता है कि कहीं पीछे से आगे काट ना दे, क्योंकि यहाँ पे आज मतलब कि मकर संक्रांति का दिन है तो काफी लोग यहाँ पे पतंग भी उड़ा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, पेड़ भी लड़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार। ये देखिए कितनी सारी पतंग उड़ रही है और मैं भी यहाँ पे उड़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने खाली 5 लोगों की काटी है खाली। खींच करने में बहुत ही मजा आता है गाइस। ये आ गया बीच में, ये ले उसके लपेट में। ये देखिए अभी भिड़न हो रही है। गुजरात में ज्यादा क्रेज रहता है पतंग का, राजस्थान में कम है लेकिन यहाँ पे भी ज्यादा ही है। ले लीजिए पहुंच कर दे मैं। ए जी यार नहीं गिरी, सॉरी सॉरी। अरे जा रही है पतंग, गई वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, गई ये।